أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا إِلَى حولك وقوتك يا يا رب في في بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم के खूबसूरत सिलसिले को शुरू करते हुए हमने सिलसिला अम्बिया में अंबिया अल्लाम की माओ का जो तस्करा पड़ा है उस खूबसूरत तस्करे का नौवां हिस्सा आज आपके सामने पेश है और इस हिस्से में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम जो के कि खातमनबीन है उनकी वालिदा सदा आमिना का जिक्र जमील पढ़ रहे हैं और सयदा आमिना के जिक्र में ये चौथा सेशन आज मैं आपके सामने रख रही हूं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें बात को सही तरह से समझने वाला जज्ब करने वाला और फिर उसमें से अपनी जिंदगी के लिए रोशनी और हिदायत और रहनुमाई हासिल करने वाला बनाए आमीन आज के सेशन में आप लोग मेरे साथ मक्का के गली कूचों में घूमने के साथ साथ कबीले बन उस्ताद बिन बकर में भी जाएंगे और चश्मे तस्वर से देखेंगे कि उस कबीले के खेमों में और उस कबीले के घरों में क्या मंजर है और वहाँ लगे खेमों में से वहाँ आबाद घरों में से किसी एक खेमे में किसी एक घर में आमिना का लाल दुर्र यतीम ले जाया गया हमने सदा आमिना का जिक्र जमील पढ़ा और फिर हमने रसोल की मुबारक पैदाइश का जिक्र भी पढ़ा और ये भी समझा कि सबसे पहले को दूध पिलाने वाली वो अल्लाह सब की ये हिकमत और मशीत के एक नहीं कितनी ही औरतों को ये शर्फ और ये एजाज नसीब हो गया कि वो आखिरी नबी की माँ कहलाएं सीरत निगार ये लिखते हैं कि आमिना बिन तवाब उन्होंने अपने बेटे को सात दिन के लिए दूध पिलाया और इन्हीं सात दिनों के दौरान सुवैबा ने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया सुवैबा के दूध पिलाने की मुद्दत सीरत निगारों के नजदीक कुछ के नजदीक चार महीने हैं और कुछ ने सिर्फ सात दिन भी लिखा है अरबों में यह रिवाज था और खास तौर पर मक्का के अंदर कि मक्का के जो सरदार घराने थे वो अपने बच्चों को बादिया में शहर से दूर भेजा करते थे और उनको वहाँ भेजने का मकसद दरअसल ये होता था कि मक्का शहर के अंदर मौजूद जो वबाई बीमारियाँ हैं या जो आलूदगी है उससे बच्चों को महफूज रखा जा सके और कई मकासद में से एक मकसद ये भी था कि बच्चे ऐसी खूबसूरत और साफ सुथरी फ़िज़ा में नश्व नुमा पाएं कि जो उनकी सेहत के लिए बेहतरीन हो उनको ख़ालस माहौल के साथ साथ ख़ालस भी मिले और बहुत सारे मकासद में से एक मकसद ये भी होता था कि अरबों के वो बच्चे के जो उन कबाइल से ताल्लुक रखते थे कि जो अपनी फसाहत और बलागत के लिहाज से अपने बच्चों को बहुत आला तालीम देना चाहते थे वो बच्चों की जुबान को बेहतरीन बनाने के लिए उन्हें ऐसे कबीलों में भेजें कि जो अपनी जुबान के लिहाज से अपनी फसाहत के लिहाज से बहुत मुमताज थे अब मक्का की आबो हवा का अगर हम जिक्र करें तो ये बात यहाँ समझना ज़रूरी है कि मक्का वो शहर है कि जिसमें पूरा साल मुख्तलिफ लोग हज या उमरा की नीयत से अतराफ से आते थे मुख्तलिफ कबाइल और मुख्तलिफ तरह के लोग वहाँ पर पहुँचते थे बड़ा मकसद उनका हज और उमरा भी था यानी बैतल की ज़्यारत के लिए लोग मुख्तलिफ़ जगहों से आते थे और फिर कारोबार वग़ैरह के लिए भी मक् की तरफ लोग आते थे मक्का से भी काफले जाया करते थे अरेखलाता शीता वीफ और मक्का में भी लोग तजारत की गरज से आया करते थे इस सब सूरत हाल में मक्का की जो फिजा है वो इतनी मामून और इतनी मुनासिब नहीं थी मुख्तलिफ तरह की वबाएँ और मुख्तलिफ तरह की चीजें वहां होती रहती थी जिसकी वजह से वालिदैन की ये ख्वाहिश होती थी कि वह अपने बच्चों को ऐसी फिजा में भेजें कि जहां पर किसी किस्म की कोई आलूदगी भी ना हो सेहतमंद माहौल में उनके बच्चे परवरिश पाएं और ये उस वक्त उन हालात में कोई अनोखी बात नहीं थी ये सब लोगों के यहाँ यानी कबाइल के वो कबाइल के जो बड़े कबाइल थे मुमताज थे उनके यहाँ यह रिवाज था कोई अनोखी बात नहीं थी कि मोहम्मद रसोल को पैदाइश के बाद भेज दिया गया तो कुछ दिन वालिदा ने दूध पिलाया फिर उसके बाद सुबैबा ने दूध पिलाया अगर ये रिवायत चार माह की ले ली जाए तो तकरीबन चार माह तक मोहम्मद अपनी वालिदा के घर में रहे और अपने दादा की माइत भी उन्हें नसीब थी अब हुआ ये कि वो कबाइल के जो मक्का शहर में आके बच्चों को लेकर जाते थे वो दो मशहूर कबाइल हैं एक है बनु बिन बकर बिन हवाजन और दूसरा मशहूर कबीला है बनु लईस बिन बकर बिन कनाना तो एक हवाजन का है और एक कनाना का है कबीला ये दो कबीले हैं कि जो बहुत मारूफ और मशहूर हैं। और इन कबीलों की ख़वात मखसूस मौसम में साल में दो चक्कर मक्का के लगाया करती थी और वो वहाँ से बच्चों को ले आती थी और फिर रजात की मदत मुकम्मल करा के और उन्हें वापस छोड़ आती थी और उस पर उन्हें अच्छा मुआवजा मिलता था और ये एक तरीका था जो उन कबीलों की गुज़रो का भी एक तरीक़ार था और ये भी था कि उन कबीलों की जुबान बहुत फसीह थी और लोग अपने बच्चों को बगैर किसी झिझक के वहाँ पर भेज दिया करते थे जुबानदानी भी सीखते थे अच्छे माहौल में अच्छे लोगों के अंदर रहते थे ये दो कबीले जो थे वो बच्चों को लेकर उनकी तरबियत करने के और उनको अपने पास रखने के लिहाज से मुमताज़ थे पहचाने जाते थे तो ये कबीला जिसमें आज हम जाएंगे बनुसाद का कबीला जो कि हलीमा असादिया का कबीला है और हलीमा जिनको जो लक़ब मिलते हैं जो तारुफ मिलता है वो है मुर्दयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुर्दयात सदुल बेहतरीन इंसान सारे इंसानों का सरदार वो बच्चा जो मुहम्मद के नाम से अब मक्का में जाना जा रहा है और हाशिमी नौजवान हाशिमी बच्चा है हाशिमी नौजवान अब्दुल्ला का यतीम बच्चा जिसको लेने के लिए बहुत सारी औरतें उनके घर आती हैं तो हलीमा सादिया जो अपने नाम के अतबार से भी हलीमा हैं और कबीला की नस्बत से उनका नाम असादिया भी है इनका शजर नस्ब इस तरह से है कि उनका नाम हलीमा बिन अबी जुअब बिन अब्दुल्ला बिन अलहारिस बिन शजना बिन जाबिर बिन जर्राम बिन नासरा बिन फसीहा बिन नजर बिन साद बिन बकर बिन होवाज़न बिन मंसूर बिन इकरमा बिन हफ्सा बिन قيس बिन عيلان बिन मुजर बिन नजार बिन माद बिन आदनान तो ये शजरा नसब मैंने इसलिए आपको पूरा सुनाया कि हलीमा सदिया का शजरा नसब जो है वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि के शजरा नसब से जा मिलता है यानी आ, बिन, बिन मोजर बिन नजार बिन माद बिन अदनान यहाँ पर जाकर ये भी शजला नस्ब के एतबार से वहाँ जा मिलती हैं और ये बताने का मकसद ये भी है कि रसोलम जो कि क्रैशी थे कबीला क्रैश से ताल्लुक रखते थे और हाशिमी थे लेकिन इन्होंने जिस औरत का दूध पिया वो भी दरअसल असली अरब थी यानी असला और नसला वो भी वही लीनियज रखती थी और उसी शाख से थी उन्हीं अरबों से थी असलन उन्हीं के उन्हीं से ताल्लुक रखती थी जिनका दूध रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया और इनके जो शौहर हैं उनका नाम है यानी हलीमा असादिया के शोहर हारिस बिन अब्दा बिन रिफा बिन मलान बिन बनी साद बिन बकर बिन हुआजन ये कबीला हुदैबिया के अतराफ में आबाद था और अपनी जुबान की फसाहत और बलागत के लिहाज से और बच्चों को रजात देने के लिहाज से भी बहुत मुमताज था हलीमा के यहाँ औलाद मौजूद थी लेकिन जो बच्चा मोहम्मद वसल्लम का दूध शरीक बना है या मोहम्मद अलैहि वसल्लम जिस बच्चे के साथ जिस बच्चे के दूध में शरीक हुए हैं उनकी यानी हलीमा के दूध में जिस बच्चे के साथ वो शरीक हुए हैं वो है दरअसल अब्दुल्ला बिन अल हारिस और हलीमा के यहाँ जो औलादे थी वो इस तरह से हैं कि उनकी सबसे बड़ी बेटी है वो है हुजाफा बिन तलह हारिस और ये वही बेटी है कि जो शैमा के नाम से मशहूर हैं ये हलीमा की सबसे बड़ी बेटी हैं उनका नाम है हुजाफ, हुजाफा बिन तलहारिस लेकिन अशैमा के नाम से मशहूर हैं ये मुसलमान भी हुई थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए कई बार तशरीफ लाई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई बहन और दूसरी उनकी बेटी थी जिनका नाम है अनीसा बिन तल हारिस और तीसरा बच्चा अब्दुल्ला बिन अल हारिस जिसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलकर

रसोल्ला अलैहि वसल्लम के पास ये कई बार तशरीफ लाई कई कई मौके पर उनकी मुलाकात हुई उन सब का तस्करा मैं बाद में करूंगी लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हलीमा सदिया मक्का में जाती हैं और मोहम्मद रसोल्ला अलैहि वम को गोद में लेती हैं तो हलीमा असाधिया खुद अपना वाक़ बयान करती हैं वो कहती हैं कि वो मौसम आन पहुंचा कि जब वो और उनके कबीला की बाकी खातन सब इकट्ठी हुई और मक्का की तरफ उनका का काफिला रवाना हुआ कि जाए मक्का जाके वहां के मशहूर घरानों के बच्चों को गोद ले लिया जाए वो कहती है कि उस आ, काफले का हिस्सा मैं भी थी और मैं मैं एक बच्चे को हासिल करने के लिए अपनी साथियों के साथ मक्का गई और वो कहती हैं कि जब हम अपने कबीले से रवाना हुए मक्का जाने के लिए तो हमारे माली हालात बहुत खराब थे और माली हालत खराब होने के साथ साथ ये कैफियत भी वो बयान करती हैं कि घर में बहुत तंगी थी और कैफियत ये थी कि भूख के बायस और खाने की कमी के बायस उनका अपना बच्चा जो है वो भी दूध की कमी की वजह से बिलकता रोता रहता था हलीमा खुद इस को बयान करती हैं और वो कहती हैं कि मैं और मेरे शौहर पहले दो बच्चों के साथ यानी पहली दो बेटियां और एक गोद में जो बच्चा है अब्दुल्ला उनको लेकर वो काफले में शरीक हुए और उनके साथ एक गदी थी और एक उनके साथ ऊंटनी थी और ऊँटनी जो है वो भी बूढ़ी ऊँटनी थी और गदी जो है वो इत, इस कदर कमज़ोर थी कि वो उसके ऊपर सवार तो थी अपने अ, अपने ख़ानदान के साथ और काफले के साथ साथ जा रही थी लेकिन हालत ये थी कि वो बार बार अपने काफले से पीछे रह जाती थी काफला आगे बढ़ जाता था उनके जानवर तेज थे लेकिन इनकी ऊँटनी और इनकी गदी इस कदर कमज़ोर थी कि ये बार बार अपने काफले से पीछे रह जाती और काफले वाले उन्हें उन्हें उनकी वजह से रुकना पड़ता और उनका इंतजार करना पड़ता जिसकी वजह से वो उनसे नाखुश होते थे और बातें करते थे कि क्या मुसीबत है कि तुम लोग पीछे रह जाते हो और ये मियाँ बीवी और बच्चे फाकों के मारे हुए कि इनके अंदर इतनी शिक्कत भी नहीं थी कि वो पैदल ही कुछ तेज चल सकते और जो जानवर साथ हैं वो भी बेानतहा कमजोर जानवर हैं वो कहती हैं इसी हालत में हम लोग मक्का पहुंच गए जैसे ही हम मक्का पहुंचे मेरे काफिले की सब खात मक्का के उन उन घरों में पहुंच गई बच्चों को लेने के लिए के जहां जहां से उन्हें इतला मिली थी कि वहां पर बच्चे मौजूद हैं और वालदे अपने बच्चों को रिजात के लिए देना चाहते हैं वो कहती हैं कि जितने भी बड़े घर आने थे मेरे कबीले की औरतों ने वहां जाकर बच्चों को ले लिया और जो कोई भी हाशमी घराने में अब्दुल्ला के घर में गई जब उन्हें यह पता चला कि ये घराना भी अपने बच्चे को रजात के लिए देना चाहता है लेकिन जब ये मालूम हुआ कि ये यतीम बच्चा है तो किसी भी औरत ने उस बच्चे को गोद लेना पसंद न किया और हर एक ने यह सोचा कि यहां से हमें क्या मिलेगा एक यतीम को हम अपने गोद में लेके क्या हासिल करेंगे और जिस औरत के सामने भी ये बच्चा यानी मोहम्मद अलैहि वसल्लम ये पेश किया गया उसने इनकार कर दिया यहाँ तक के ये जो तलाश थी एक दिन दो दिन जितना वक्त भी उसको लगा जब सब काफले की औरतें एक एक बच्चे को ले चुकी और कैफियत ये थी कि हलीमा के नसीब कुछ भी ना हुआ और काफ़ले के वापस जाने का वक्त हो गया अब जाहिर है आप सब अंदाजा लगा सकती हैं कि सफर काफ़लों में ही हुआ करता था और एक दूसरे के साथ मिलकर सफर करना उस जमाने में बहुत जरूरी था और यह भी मुमकिन नहीं था कि हलीमा अपने खानदान के साथ पीछे रह जाती उन्हें भी वापस अपने काफले के साथ अपने कबीले में आना था वो अपने खैमे में अपने शोहर के पास आई और बताया के एक या दो दिन की तलाश के बावजूद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं मिला जितने भी बच्चे वालिद वाले थे या अहम थे मालदार थे उनको दूसरी औरतें ले चुकी हैं और उनकी उनकी गोद जो है वो खाली रह गई है उन्हें कोई बच्चा नहीं मिला और काफिला जो है वापस जाने के लिए तैयार है तो वो कहती हैं कि उन्होंने अपने शोहर से ये कहा कि एक यतीम के सिवा कोई भी बाकी नहीं है तो उनके शोहर उनसे कहते हैं इज हबी ब हाज़ हाज़ सभी जाओ और इस बच्चे को ले आओ मैंने उनसे कहा कि बच्चा यतीम है हाज़ सबी यतीम ये बच्चा तो यतीम है तो वो कहती हैं कि मेरे शोहर ने कहा कि अब अगर तुम्हें कुछ और नहीं मिला तो हो सकता है अल्लाह ताला इस बच्चे के जरिए से ही हमें कोई फायदा दे दे अब खाली हाथ क्या जाना जाओ और उस बच्चे को ले आओ वो कहती हैं कि मैं थके कदमों के साथ वापस सैदा आमिना के घर में पहुंची और उनसे उनके बच्चे को लेने का सवाल किया अब सयदा जो कि अपने लखते जिगर को अपने से दूर करने पर तो आमादा नहीं थी लेकिन जाहिर है जो रिवायत थी जो रवाज था जिस तरीके से वहां पे होता था उसके मुताबिक उनको करना ही था और सयदा ने अपने दिल पर पत्थर रख के अपने अकलौते जिगर के टुकड़े मुहम्मद को हलीमा की गोद में डाल दिया हलीमा को क्या पता कि क्या नसीब उसके जागने वाले हैं और क्या ही खुशकिस्मत बच्चा वो अपनी गोद में इस वक्त ले रही है हलीमा ने उस बच्चे को अपनी गोद में समेटा आमना के जिगर के टुकड़े को अपने अपने बाजू में लपेटा तो दिल की कैफियत को ही बड़ा अजब महसूस किया एक तरफ हकीकी वालिदा आमिना है कि जिनका दिल पारा पारा हुए जाता है बच्चे की जुदाई पर और दूसरी तरफ हलीमा है कि जिसके हाथ में यह बच्चा आते ही उसके दिल की हालत ही बदल गई है वो एकदम से अपने दिल में अजीबो गरीब कैफियत महसूस करने लग गई इस बच्चे की मोहब्बत से फौरन उनके दिल की हालत ही बदल गई खैर माँ को रुख्सत किया बच्चे को गोद लिया बाजों में समेटा और वापस अपने खेमे में आ गई खेमा उठाया सामान तैयार किया और काफले के पीछे पीछे चलने लगी इसलिए कि काफला तो पहले से तैयार था वो तो रवाना होने को थे हर कोई हलीमा का इंतजार कर रहा था कि कब वो वापस आए और कब वो चल पड़े अब अजब हालत होती है हालत ये होती है वो कहती हैं कि जैसे ही मैंने बच्चे को लिया मैं वापस आई और मैंने महसूस किया कि मेरी छाती दूध से भर गई है हलीमा असादिया ने उस बच्चे को अपनी गोद में लेते ही न सिर्फ दिल की हालत को उथल पुथल होते हुए महसूस किया बल्कि उनके जिसम के अंदर भी और उनके उनके रूह और उनके वजदान के अंदर भी अजीब वरीब कैफियत तारी हो गई जिसको वो खुद बयान करती हैं कि उनके उनका सीना जो है वो दूध से भर गया कहती है मैं वापस अपने खेमे में आई और मैंने अपने बेटे अब्दुल्ला को भी दूध पिलाया और मोहम्मद को भी दूध पिलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दोनों बच्चों ने खूब दूध पिया यहाँ तक कि दोनों जो हैं वो उनका पेट भर गया और वो दोनों गहरी नींद सो गए जबकि हालत ये थी कि इससे पहले वो बच्चे जो हैं उनका अपना बच्चा अब्दुल्ला जो है वो दूध की कमी के बायस हर वक्त रोता रहता था और अब वो वापसी का जो हाल पे बयान कर रही हैं वो बहुत अजीबोगरीब गरीब है वो खुद ही हाल बयान करती हैं वो कहती हैं कि मैं और आ, मैं और मेरा शोहर उठे और हमने अपने चीजों को समेटा और जब मैं बच्चों को दूध पिला चुकी तो मेरा शोहर ऊटने की तरफ गया और वो बहुत हैरान हुआ उसने देखा कि ऊटनी वो जो बूढ़ी है और मरियल है और वही ऊँटनी जिस पर वो आए थे इस मक्का की तरफ और उसकी हालत बहुत खराब थी और वो भूख से मर रहे थे तो अब क्या हुआ कि वो देखते हैं कि उस ऊँटनी के थन जो हैं वो दूध से भरे हुए हैं कहती है मेरे शोहर गए और उन्होंने जाकर उस ऊँटनी का दूध दोया और अजब हालत थी कि दूध रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने खूब दूध निकाला लेकर मेरे पास आए मुझे भी पिलाया खुद भी पिया और हमने अपने दिल के अंदर और अपने जिस्मों के अंदर बहुत सुकून और सकीनत को महसूस किया खैर काफ़ले का रवाना होने का वक्त हुआ जब काफ़ला रवाना हुआ तो ये बच्चा ये खुशकिस्मत बच्चा दुर्र यतीम जो हलीमा के नसीब को जगाने आया था वो उस काफिले के हमरा था और उसकी बरक़ात जो है वो हलीमा उसी वक्त से महसूस करने लग गई थी वो कहती हैं कि मेरी साथी औरतें वो ये कहने लगी कि तालीमी वल्ला या हलीमा लक़द अख़स्ती नस्मतन मुबारक ए हलीमा लगता ऐसे है कि तूने कोई बहुत मुबारक पेशानी हासिल कर ली है और कहती हैं मैंने कहा वल्ला लारजूजालिका मैं भी यही उम्मीद रख रही हूँ मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही कीमती बच्चा मिल गया है और वो कहती है कि जब मक्का की गलियों में वो घूम रही थी और उनको कोई बच्चा नहीं मिल रहा था सिवाय इस यतीम बच्चे के तो उस वक्त उनके दिल की हालत बहुत उदास थी परेशान थी कि मेरे नसीब में इतनी दूर से आई हूँ तो कोई बच्चा नहीं हुआ कि वो जिसका बाप जिंदा हो वो जो इसका बेहतरीन मुआवजा दे सके लेकिन जब मैंने इस बच्चे को ले लिया तो इसकी बरक़ात को मैंने महसूस करना शुरू कर दिया कहती हैं हम निकले और फिर वही मरी हुई गदी के जो जिसकी वजह से हम काफले के पीछे पीछे रह रहे थे वो ऐसे फराटे भर रही थी कि ये और ये ये खानदान यानी हलीमा का खानदान अपनी ऊँटनी और अपनी गदी के साथ सारे काफलों से आगे काफले के सारे लोगों से आगे आगे चल रहा है और काफले वाले पीछे से उन्हें आवाज दे के कह रहे हैं या इबन तो अबी जुबैब वही हक इरबाई आलना अलई सत हाज ही अतान किल्लती कुंती खरजती आलई है की बेटी वही हक यानी क्या हुआ तुझे ये एक अंदाज है बुलाने का रुक जा ठहर जा हमें भी साथ मिला ले इरबाई हमारा भी इंतजार कर ले क्या ये तेरी वही मरी हुई मरियल गदी नहीं है जिस पर तू हमारे साथ निकल कर आई थी कहती है मैं उनसे कहती थी बला वल्लाफान अल्लाह अजब अल्फाज है वल्ला लहिया हिया। वो कहती है कि मैं उनसे कहती हाँ ये वही तो है मैं कोई नई गदी नहीं लेकर आई अल्लाह की कसम ये वही गदी है जिस पर मैं आई थी और फिर कहती हैं वो वो कहती औरतें कहने लगी आज इसका मामला कुछ अजब है आज बात कुछ और है और फिर वो कहती हैं कि हम ये सफर और मंजिल पे मंजिल तय करते हुए हम अपने बिलाद यानी बनी साध में आ गए और बनी साध जहां पर हालत ये थी कि ज़मीन जिसमें कोई सब्जा नहीं था और जानवरों को मुश्किल से कुछ चरने चुगने के लिए मिला करता था वो कहती हैं कि कि जब हम वहां पर आए, तो हालत ये हो गई कि जिस तरफ भी हमारी बकरियां चरने के लिए जाती वहां सब्जा ही सब्जा होता और बकरियां इतना दूध देती कि हम उनका दूध निकालते और खूब खूब दूध पीते और उसके अलावा भी दूध जो है वो हमारे पास बच जाता जबकि इससे पहले हालत ये थी कि वही बकरियां जिनसे हमें कभी कभी खतरा दूध का नहीं मिला करता था और लोग हमारी इस हालत की तब्दीली पर हैरान होते पूरा कबीला इस बात पर हैरान था और हर कोई ये समझ गया था कि इन्होंने जिस बच्चे को लिया है ये दरअसल उस बच्चे की बरक़ात है इन्होंने ऐसी पेशानी ले ली है जो नस्ना मुबारका है यानी वो खुशकिस्मत पेशानी है वो खुशकिस्मत बच्चा है जो इस खानदान के नसीब में आया है और फिर जब इनके जानवर जाते और खूब चर चुप के वापस आते तो कबीले वाले कहते इस बिंथ अबीवैब के अपने जानवरों को भी उसी जगह पे जाके लेकर चराओ जहाँ अबू जुवैब की बेटी के जानवर जाके चरते हैं देखो जब वो वापस आते हैं तो वो खा खाना खा के वो मुतमिन होते हैं उनके पेट भरे होते हैं और उनके थन जो है दूध से भरे होते हैं जबकि हमें और कुछ नहीं मिलता और फिर वो कहती हैं कि ये बरकतें मेरे खानदान के ऊपर और मेरे कबीले के ऊपर भी इस तरह से आने लगी कि जहां हमारी बकरियां चरती थीं और उनके पेट भर जाया करते थे वहीं पे कबीले की दूसरी बकरियां भी चरने लगी और उनके पेट भी भरने लगे और यूं वक्त गुजरता रहा और हलीमा जो हैं वो इस बच्चे की बरक़ात को और इस बच्चे की जो रहमतें थी इनका मुशाहिदा करने लगीं और हलीमा को पता ही ना चला दो साल गुजर गए और फिर इस बच्चे का दूध छुड़ाने का वक्त आ गया हलीमा के लिए ये दो साल बहुत ही, ही बेहतरीन साल थे बहुत ही कीमती साल थे हलीमा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसी खुशहाली ऐसी बरकत ऐसी खुशकिस्मती उन्हें नसीब होगी लेकिन वक्त आ चुका था जब वादे के मुताबिक दूध छुड़ाने के बाद इन बच्चों को वापस इनके घरों में पहुंचाया जाना था। फिर ऐसा ही हुआ काफला फिर चला और औरतें अपने अपने गोद लिए बच्चों को अहले मक्का को लौटाने के लिए चल पड़ी इस दफा हलीमा की गदी और उसकी ऊँटनी सबसे आगे आगे है और हलीमा की गोद में एक सेहतमंद खूबसूरत बच्चा अपने बच्चे अब्दुल्ला के साथ मोहम्मद नाम का वो भी मौजूद है इधर मक्का में हालत ये है कि सयदा आमिना उन्होंने हिजर के ये दो साल कैसे गुजारे होंगे इसका तस्वर एक माँ बहुत अच्छी तरह से कर सकती है तस्वुर में देखिए जरा कि माँ यानी सयदा किस तरह से अपने बच्चे के इंतजार में है कब ये रजात की मुद्दत पूरी हो और उनका बच्चा उनकी गोद में वापस आ जाए और हलीमा जो के बच्चे को वादे के मुताबिक करार के मुताबिक वापस करने जा रही हैं लेकिन उनके दिल की हालत उससे भी ज्यादा खराब है और वो ये सोच रही हैं कि किस तरह से वो इस बच्चे को अपने से जुदा करेंगी और दिल ही दिल में तदबीरें सोच रही हैं और सोच रही है कि कैसे मुमकिन हो सके कि वो इस बच्चे को किसी तरह से भी वापस ले जाने में कामयाब हो जाए जब वो एक सेहतमंद खूबसूरत बच्चा लेकर आमिना के घर में आती हैं, आमिना अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाती हैं, अब्दुल मुतलिब जो सरदार क्रैश हैं, वो भी तशरीफ ले आते हैं वो भी अपने पोते को देखकर निहाल हो जाते हैं अब्दुल्ला की निशानी एक खूबसूरत सेहतमंद बच्चा उनके सामने है और हलीमा फिर अपनी सारी कहानी सैदा को सुनाती हैं और जो बरकतें और जो चीज़ें और जो मोजात उन्होंने देखे होते हैं वो उनके साथ शेयर करती हैं और फिर जब ये वक्त आ जाता है कि अब हलीमा को अब इस बच्चे को छोड़ के जाना है तो वो किसी सूरत इस दुर यतीम से जुदा होना पसंद नहीं करती वो सैदा से एक दरख्वा करती हैं और कहती क्या है कि मुझे डर ये है कि मक्का की वबा आ, मक्का के हालात अच्छे नहीं हैं मक्का की फ़िज़ा अच्छी नहीं है यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह की वबाएँ हैं और आज कल भी कोई वबा फैल रही है इसलिए मेरा ख़्याल है कि इस बच्चे की हिफाजत की खातर आपको दोबारा इसे मुझे दे देना चाहिए और फिर एक दफा नहीं दो दफा नहीं बल्कि कई मरतबा वो सयदा को इस बात पर तैयार करने की कोशिश करती हैं उधर उनके शौहर वो जाके सदना अब्दुल मुतलिब जो सरदार कुरेश हैं उनसे जाके बात करते हैं जब लगता है कि बात बन नहीं रही तो हलीमा खुद सरदार के पास सर, अब्दुल मुतलब के पास पहुंच जाती हैं और उनसे जाके फिर ये कहती हैं देखिए मक्का के हालात अच्छे नहीं फिजा अच्छी नहीं वबाएं हैं इस तरह की चीजें हैं तो हम ये समझते हैं कि इस बच्चे को दोबारा हमें दे दिया जाए और पहले तो जो मुआवजा तय हुआ था वो हुआ था इस दफा हम बगैर किसी मुआवजा के उसको वापस ले जाना चाहते हैं जाहिर है जब पहली दफा वो ले रहे थे तो जो मुआवजा भी सैदना अब्दुल ने तय किया था वो तो तय हो चुका था अब वो ये ऑफर कर रही हैं कि बगैर किसी मुआवजा के इस बच्चे को हमें दे दिया जाए और फिर सदा हलीमा की कोशिश जो है वो कामयाब हो जाती है बार बार सयदा आमिना की मिन्नत समाजत करने के बाद और उनको बहुत कुछ बताने और समझाने के बाद वो इस बात पर आमादा उनको कर लेती हैं कि मोहम्मद को वो अपने साथ लेकर जाएंगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सैदा के लिए भी तो मुश्किल वक्त है ना सैदा की कुल मताही ये बच्चा ही तो है अब वो कैसे उसको अपने से जुदा करें लेकिन एक मरतबा फिर सैदा अपने दिल पे पत्थर रख लेती हैं और अपने बच्चे को आमिना की गोद में डाल देती हैं आमिना इंतहाई खुश है गोया के दुनिया दुनिया माफिया की दौलत आमिना को मिल गई आमिना और उसके शौहर खुशी खुशी मोहम्मद अलैहि वसल्लम को लेकर वापस अपने कबीले में आ जाते हैं कुछ महीने गुजरते हैं और फिर एक वाकया पेश आता है सैयदा हलीमा खुद कहती हैं कि एक दिन ऐसे हुआ कि घर के पिछवाड़े में दोनों बच्चे खेल रहे थे अब्दुल्ला और मोहम्मद दोनों खेल रहे थे और अब अंदाज़ा कर लें कि उम्र जो है वो तकरीबन ढाई साल होगी या तीन साल दो से तीन के दरमियान की कोई उम्र है जिसमें ये दोनों बच्चे जो हैं वो खेलकूद में मशगूल हैं और इसी हालत में वो कहती हैं कि अब्दुल्ला जो उनका बेटा है वो दौड़ता हुआ वापस आता है और वो कहता है कि मेरे कुरैशी भाई के साथ कोई हादसा पेश आया है दो आदमी उसको लेकर गए हैं और वो जो दो आदमी जिन्होंने सफेद कपड़े पहन रखे हैं और उन्होंने उसको पकड़ लिया है और उन्होंने उसको जमीन पर लेटा लिया है और उसका पेट चाक कर दिया है हलीमा कहती है कि ये सुनना था कि हमारे पाव के तले से तो जमीन निकल गई मैं और मेरे शोहर फौरन दौड़े और दौड़ते हुए जब वहां पर पहुंचे तो देखा कि किसी इंसान के तो वहां पर कोई आसार नजर नहीं आते लेकिन मोहम्मद खड़े हैं और इंतहाई सहमी हुई हालत में और एक अजीब कैफियत खौफ या रोब की अजीब कैफियत में कामते हुए वहाँ पर खड़े हैं हलीमा आगे बढ़ती हैं फौरन से उन्हें अपने सीने से लगा लेती हैं और रजाई वाले जो हैं वो भी आगे बढ़ते हैं वो भी उनको तसल्ली दिलाते हैं वो भी उनको अपने बाजुओं में ले लेते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ तो मासूम बच्चा क्या उम्र है अंदाजा लगाएं लेकिन इस कदर एतम के साथ इस कदर सही तरीके से पूरी बात को बयान करता है कि दो आदमी आए और उन्होंने मुझे लिटाया मेरा सीना चाक किया और मेरे उसके अंदर से कुछ तलाश किया वहां पर वो कुछ ढूंढते रहे और उसके बाद उन्होंने उसको बंद कर दिया और वो चले गए हलीमा आादिया के लिए यह वाक्य बहुत गैर मामूली था उन्हें इस बात का खौफ आया कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बच्चे को कुछ हो जाए और फिर अगर कोई ऐसी बात या कोई ऐसा हादसा पेश आ गया तो फिर वो उनके कौम को और उनके खानदान को और उनके वारसों को क्या जवाब देंगी तो हलीमा अपने शोहर से मशवरा करती हैं और वो दोनों मुतफ़ा तौर पर इस बात पर पहुंचते हैं कि इस बच्चे को वापस इसके घर में पहुँचा दिया जाए कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं फिर बहरहाल वो दोनों सफर करते हैं तैयारी करते हैं मक्का आते हैं मोहम्मद को साथ लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वापस उनकी वालिदा के पास पहुंच जाते हैं सयद आमीना बहुत हैरान होती है कि अभी तो ये कह के गई थी कि साल दो साल अपने पास रखेंगी अभी साल तो गुजरा नहीं था तो ये जल्दी बेटे को वापस ले आई लेकिन खुश भी हैं कि उनका लखते जिगर उनके पास वापस आ गया और अब कुछ महीने गुजरे थे पहले से भी ज्यादा बड़ा बड़ा लग रहा है पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है पहले से भी ज्यादा निखरा हुआ लग रहा है वो अपने बेटे को उठाकर चूमती हैं सीने से लगाती हैं और फिर पूछती हैं कि हलीमा क्या वजह हुई क्यों तुम इतनी जल्दी वापस ले आई पहले तो तुम बहुत तैयार थी कि इसको इतना अरसा रखेंगी और इतना इतना अरसा रखेंगी और इतनी मिन्नत समाज से लेकर गई तो हलीमा बहुत ही धीमे लहजे में उन्हें बताती हैं वाकया बताती हैं कि इस तरह से वाक पेश आया है और आमिना बहुत गौर से ये वाकया सुन रही हैं और जब पूरा वाकया सयदा सुन लेती हैं तो फिर आमिना उनसे कहती हैं ए हलीमा तुम्हारा क्या ख्याल है क्या तुम्हें इस बच्चे के बारे में शैतान का या जिन का या किसी साए का खौफ है तो हलीमा हल्के लहजे में आहिस्ता आवाज में जवाब देती हैं कि मुझे ऐसा शक पड़ता है मुझे डर है ऐसा कि कहीं ऐसा तो ना हो कि को, कोई जिन कोई शैतान ऐसी कोई चीज हो तो आमिना जब उनकी बात सुनती हैं तो फौरन से उनकी बात को रद्द कर देती हैं और कहती हैं कल्ला शैतानी इन हरगिज नहीं हो सकता कि इस बच्चे को कोई शैतान छुए या किसी जिन का साया इसके ऊपर हो शैतान इसके करीब भी नहीं आ सकता बिलाशुबा मेरे इस बच्चे का मर्तबा और इसकी शान बहुत बुलंद है इसका बड़ा मकाम होगा और फिर हलीमा से कहती हैं क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि हमल की हालत में मैं क्या क्या देखती रही और क्या क्या मेरी कैफियत थी और किन किन चीज़ों का मैंने मुशाहिदा किया हलीमा और भी ज्यादा मुतवज हो जाती हैं और फिर सैदा उनको बताती हैं कि किस तरीके से उन्होंने हमल के दौरान अच्छी खाब अच्छे ख्वाब देखे बहुत सारी बशारतें देखी किस तरह से उनके लिए इस बच्चे का उठाना यानी हमल बहुत आसान था और उसका वादा यानी उसकी विलादत जो है वो भी बहुत आसान थी और ये भी कि विलादत के वक्त उन्होंने एक नूर अपने जिस्म से निकलते हुए देखा और वो नूर जो है पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था कै कैसर और किसरा के महल्ला के किंगरे जो हैं और किनारे उनको इस नूर से नजर आ रहे थे तो वो सारी कैफियत जो कैफियात जो हैं वो उन्हें बताती हैं तो सयदा हलीमा उनकी बात सुनकर मुतमइन हो जाती हैं और फिर इस तरह से माँ और बेटे दोनों का मिलाप हो जाता है अब मोहम्मद अलैहि वसल्लम है और आमिना है आमिना की गोद है और वो घर है जहाँ ये दोनों माँ बेटा रह रहे हैं हलीमा सादिया जो कि की रज़ाई माँ है और जिनका ये टाइटल है कि उम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अब यानी रजात में वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की वालिदा हैं इनके हालात मज़ीद भी मिलते हैं और मैं चाहूंगी कि आज के सेशन में हलीमा सादिया का तस्करा हम मुकम्मल कर लें हलीमा सादिया वो जिंदा रही यहाँ तक के मोहम्मद रसोल स निका हुआ और जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदा खदीजा के साथ निकाह हुआ तो निकाह हो जाने के कुछ अरसे के बाद हलीमा मक्का आई मोहम्मद वसल्लम अपनी इस माँ यानी हलीमा सादिया का जिक्र सैयदना सैयदा खदीजा से बहुत किया करते थे और सैयदा खदीजा से जो वाक्यात वो अपने बचपन के और अपनी माँ के हवाले से और कबीला बनुसात के हवाले से अपनी जो यादें थी उनको जो शेयर किया करते थे तो सैयदा कहती हैं कि मेरे दिल में खुद यानी सैयदा खदीजा कहती हैं कि उनके दिल में भी उनसे मुलाकात का शौक पैदा हो गया कि वो भी उस खातून को देखें कि जिसने उनके शौहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया है ज़ाहिर उस वक्त तो वो मोहम्मद ही थे अभी नबूवत नहीं मिली थी वसल्लम तो ये नबूवत से पहले का वाक्य है तो एक दफा ऐसा हुआ के हलीमा सादिया जो हैं वो मक्का आई और अपने बेटे से मुलाकात के लिए यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए वो मक्का आई और मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम सैयदा खदीजा के घर में थे और सैयदा और सैयदा खदीजा और मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम दोनों बैठे बातचीत कर रहे थे इसी हाल में उनके घर की मुलाजिमा अंदर आई और आके ये बताया कि एक खातून उनसे मिलने के लिए आई हैं जो अपना नाम बता रही हैं कि उनका नाम है हलीमा बिन अबी जुएब और वो अंदर आना चाहती हैं ये नाम सुनना था कि मोहम्मद वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक उठा और खूबसूरत यादों का एक खूबसूरत सिलसिला उनकी आंखों में ऐसे रोशन हुआ कि आंखें मजीद रोशन हो गई और दिल मोहब्बत और हनान से धड़कने लगा और इससे पहले के खुद मोहम्मद उठकर जाते और दरवाजा खोलते उनके उठने से पहले पहले उनकी वफ़ाशार ख़दीज़ा जो हैं वो उठ खड़ी हुई और तेज़ी से उठकर दरवाजे पर गई और हलीमा का इस्ते किया और उन्हें मरहबा कहते हुए अंदर ले आई अब हलीमा सदिया का जिक्र जमील वो इस कदर इस सुन चुकी थी यानी अब आप इस को जरा इस अंदाज से देखें इस किस्से को मैं चाहूंगी कि आप इस तरह से देखें कि अब यहाँ पर जो रिश्ता है वो कैसा रिश्ता है एक सास और बहू का रिश्ता है कि वो उनके बारे में सु, अपनी सास के बारे में सुन चुकी थी और सुन सुन कर उनसे आ, मुलाकात की भी उनके दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हो गई थी तो जैसे ही उन्हें ये खबर मिलती है कि उनकी सांस यानि अम्म उम मुहम्मद मिन्रजा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा जो हैं वो तशरीफ लाई हैं तो वो उनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ी होती हैं और सैदा के लिए यानी सैदा खदीजा के लिए उस औरत से मिलना एक बहुत बड़ा एजाज था कि वो के वो औरत के जिन जिसके दूध से उनके शोहर मुहमद ने परवरश पाई नशो वनुमा पाई जिनकी गोद में वो खेले खदीजा को भी उनसे गायबाना मोहब्बत हो चुकी थी और जैसे ही सैदा खदीजा की माइत में सैदा हलीमा घर के अंदर दाखिल हुई और मोहम्मद वसल्लम कमरे, कमरे में बैठे हैं और उनकी निगाह उन पर पड़ती है तो वो फौरन उठ खड़े होते हैं और बुलंद आवाज में उनको पुकारने लग जाते हैं और कहते हैं कि उम्मती उम्मती मरहबा मरहबा और फिर बहुत गर्मजोशी से बहुत लुत्फ और मोहब्बत से वो उनसे मुलाकात करते हैं और अपने लिए Uh, उनके बैठने के लिए अपनी चादर बिछा देते हैं और ताजीम के साथ उन्हें अपनी चादर पर बिठाकर खुद उनके साथ बैठ जाते हैं उनका हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर बार बार उनका हाथ अपने चेहरे पर लगाते हैं अपनी आंखों पर रखते हैं और ये चेहरा मुबारक जो है जो पहले ही मुबारक है अपनी माँ से मिलकर और ज्यादा गुले गुलनार हुआ जाता है बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि उनके कबीले के हालात भी पूछना शुरू कर देते हैं तफसीला सारी बातें उनसे पूछते हैं खैरियत मालूम करते हैं अपने बहन भाई रजाई बहन भाई हैं उनकी खैरियत मालूम करते हैं और सब लोगों के बारे में बातचीत करते हैं अब इस मुलाकात को अगर चश्मे तस्वुर से आप देखें तो शहर मक्का वहां पर एक घराना है वो सयदा अताहिरा खदीजा का घराना है उस घर के अंदर ये मुलाकात जारी है जहाँ एक माँ अपने बेटे की मुलाकात के लिए आई है और माँ बैठी अपने बेटे को अपने हालात सुना रही है और फिर अपने अपनी मुश्किल के बारे में ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं उनके बारे में उन्हें बता रही है मोहम्मद अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पर उनसे उनके आ, माशी हालात के बारे में पूछते हैं तो वो कहती हैं कि बेटा बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है सख्तियाँ हैं फाका है हालात अच्छे नहीं हैं तो ये सब बातें सुनकर मोहम्मद की आंखों में आंसू आ जाते हैं उनकी महबूब बीवी सैदा खदीजा वो भी इस मंजर को देख रही हैं। वो अक्लमंद और समझदार खातून अपने शोहर की दिली कैफियत को समझ जाती हैं। ये है दरअसल वो ताल्लुक वो समझ जाती हैं कि ये जो मुलाकात है इस मुलाकात में आने वाली सयदा हलीमा अपने हालात जो बयान कर रही हैं इसका अब तकाजा क्या है अब करना क्या है अब ये जो करना है उसकी तैयारी अब सैयदा बगैर कुछ कहे बगैर कुछ सुने बगैर अपने शोहर की किसी फरमाइश के या हुक्म के वो खुद से करना शुरू कर देती हैं फौरन से बाहर निकलती हैं और जहां वो सैदा हलीमा की खातर तोज़ो करती हैं वहां साथ, साथ कुछ और भी इंतजाम कराती हैं और फिर उनके साथ बैठ वक्त गुजारती हैं अच्छा अब वो वक्त भी आ जाता है कि जब हलीमा उठ खड़ी होती हैं और अपने बेटे से रुखसत होने लगती हैं तो बेटे भी उनके साथ उनको अलविदा करने के लिए बाहर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि खदीजा ने उनको गिफ्ट करने के लिए उनको हदिया देने के लिए चालीस बकरियां और एक ऊंट जिसके ऊपर पानी और खाना भी लदा हुआ है वो तैयार कर रखा है जरा अंदाजा लगाएं कि रसोल्ला किस कदर खुश हुए होंगे अपनी अपनी बीवी से इस कैफियत को जरा जहन में लेकर आए तो जहां वो खातून बड़ों की तकरीम कहें या मेहमान की इज्जत कहें या सास का एहतराम करें कहें या ये कि रसूलुल्लाह यानी अपने शोहर की मोहब्बत में उन्होंने ये सब कुछ किया वो कहें कुछ भी कहें लेकिन वहां पर उनकी आजमत जो है वो बहुत वाजे हो रही है और अपनी मां को इस तरह से रुख्सत करते हैं कि उनको चालीस बकरियाँ जो कि आप अब इसको मामूली मत समझिएगा कि अच्छा बकरियां ही थी ये एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी एक एक मदद थी जो उनको दी गई और एक ऊंट जिसके ऊपर खाना पानी सब लदा हुआ है यानी सामान उसके ऊपर मौजूद है उसके साथ उनको रुख्सत करते हुए दूर तक उनके साथ चलते चले जाते हैं अंदाजा लगाए माँ किस तरह से अपने बेटे से खुश होके वापिस गई होगी कैसे उसका सीना जो है वो अपने बेटे से ठंडा हुआ होगा और किस तरह से दुआएं देती हलीमा अपने कबीले बनो में वापस लौट गई कुछ और वक्त गुजरा तो सयदा के कानों में ये आवाज भी आई कि मक्का में एक शख्स है कि जिसने नबुअत का दावा किया है वो कहता है अल्लाह तला ने उसको इंसानों के नाम नबी बनाकर भेजा है वो कहता है कि उसके पास फरिश्ता आता है वो कहता है कि उससे अल्लाह ताला कलाम करते हैं उस उसकी उस तक वही भेजते हैं वो कहता है कि अल्लाह ताला उसे रहनुमाई देते हैं और अल्लाह ताला ने उसको आखिरी नबी बनाकर भेजा है अच्छा तो ये बच्चा है कौन और फिर हलीमा को ये खबर भी मिलती है कि ये तो वही बच्चा है कि जिसको हलीमा ने अपने गोद में खिलाया था जिसे अपना दूध पिलाया था अब हलीमा जो के पहले से उस बच्चे की आजमत से मुतारफ हो चुकी थी और उसकी उस उसके जो मुजज़ात हैं और उसकी जो बरक़ात हैं उनको वो देख चुकी देख चुकी थी उनके लिए इस बात को मानना कुछ भी मुश्किल नहीं था वो अपने इस बेटे की आजमत और रफत और शान इससे बखूबी वाकिफ़ थी और जो बरक़ात और अनोार और तजलियात हलीमा ने देखे थे उन और किसने किसने देखे होंगे हलीमा से बढ़कर कौन जानता था उन बरकतों को कि जिसको वो खुद बयान भी करती हैं हलीमा अपने शौहर हारिस को लेकर मक्का आई और रसोलम से मुलाकात की और इस्लाम कबूल कर लिया अब उसके बाद जो भी हालात हुए आप सबको मालूम है यानी शदीद हालात थे शदीद मुखालफत थी लेकिन हलीमा असाधिया जो हैं वो अपने कबीले में इस्लाम के ऊपर कायम रही और उसके बाद भी कई मौा पर वो अपने बेटे की मुलाकात के लिए आती रहीं खुनैन के मौका पर हलीमा सादिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए तशरीफ लाई और उस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाराना के मकाम पर थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह पता चला कि उनकी माँ यानी हलीमा सादिया तशरीफ लाई हैं तो वो फौरन उठ खड़े हुए उस वक्त वो मसरूफ थे किसी काम में मसरूफ थे लेकिन जिस काम में वो मसरूफ थे उसको छोड़ दिया फौरन उठ खड़े हुए आगे बढ़े अपनी चादर उतारी और नीचे बिछा दी और उन्हें उसके ऊपर बिठाया माँ की ताजीम अगर किसी को सीखनी हो तो अफजलबर वसल्लम से सीखे कि वो के जिन्होंने अपनी हकीकी माँ को तो बहुत थोड़े वक्त के लिए देखा लेकिन जो रजाई माएं उनकी थी जिनका जिक्र आगे चल के भी आएगा उनकी ताजीम करके इस मामले में भी बेहतरीन उसवा छोड़ा है फिर हलीमा सदिया गजवा खैबर के मौका पर अपने कबीला साद से सफर करके मदीना पहुंच गई अंदाजा लगा लें आप और मदीना आने का उनका मकसद सिर्फ अपने बेटे से मुलाकात थी और खैबर का मौका था यानी उस वक्त गजवा खैबर हो चुका था फतह भी फतह भी हो चुकी थी और बहुत खुशी का मौका था और खैबर ही के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और भी बहुत सारे लोग आए थे अम्म हबशा से जो हिजरत करके लोग गए हुए थे वो भी आए थे उन आने वालों में सैयदना जाफ़र भी थे जिनकी मुलाकात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनतहा खुश हुए थे तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात उस मौके मुलाका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई थी तो इन बहुत सारी मुलाकातों में से एक मुलाकात माँ बेटे की मुलाकात भी थी हलीमा सादिया अपने बेटे से मुलाकात के लिए मदीना मुनवरा आती हैं और खैबर के मौका पर फिर वो पहुंच जाती हैं और उनका ऐसे ही हाना इस्ते करते हैं फिर एक और मौका ऐसा था वो जाराना है जाराना के मकाम पर यह है दरअसल फतह मक्का का वाकया और फतेह मक्का के मौका पर भी और उसके बाद फिर नबी वसल्लम जब तशरीफ लाए थे तो जाराना के मकाम पर एक दफा रसूलुल्लाह वसल्लम लोगों के दरमियान खड़े गोश तकसीम फरमा रहे थे तो इसी कैफियत में देखा कि उनकी माँ उनके के लिए आई है जो भी काम कर रहे थे फौरन उसको छोड़ा और इसी तरह से खुले हाथों से खुले बाजों से आगे बढ़े और वालिहाना इस्तकबाल किया और अपनी माँ के सर के ऊपर बोसा दिया अपनी चादर उनके लिए बिछा दी और उन्हें उनके ऊपर बिठा दिया इस को रिवायत करने वाले जो लोग हैं उनमें से एक अबू तोफेल हैं अबू तोफेल कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि ये कौन खातून है कि जो आई है, यानी एक बुरी खातून आती है आप जरा तस्वर लगाएं यानी उस उस जमाने के सफर कैसे थे लिबास कैसा होगा मट्टी गर्दा सब कुछ उसमें होगा लेकिन आ, मैं तो बस यह तसवर जहन में ला रही थी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए वो आईं में जब सैदा खदीजा के घर में थे तो जब मैंने ये वाक़ा पढ़ा तो नबी सल्ला वसम ने उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उस हाथ को चूमते थे और उसको अपने चेहरे पर और आंखों पर लगाते थे तो मैं सोच रही थी कि खाना बदोश ज़िंदगी एक सहरा का एक कबीला जिसमें रहने वाली एक मुशक्क़त करने वाली ख़ातून एक खुशनसीब औरत लेकिन उसके हाथ कैसे होंगे कैसे खुरदरे होंगे या किस तरह से होंगे कि जो घर के सारे काम काज खुद करती है लेकिन वो कितने मुबारक हाथ हैं है जिन हाथों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में लेते हैं और फिर उनको अपने चेहरे से लगाते हैं तो ऐसे ही इस मौका पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अपनी चादर बिछा दी तो अबू तुफैल कहते हैं कि मैं नहीं जानता था कि ये कौन बूढ़ी खातून है तो मैंने पूछा या रसूलुल्लाह ये कौन है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब आने से पहले पहले ही वहां मौजूद लोगों ने बताया हादी ही उम्मूहू अल्लती कानत माँ है ये उनकी वो माँ है जिसने इनको दूध पिलाया है यानी ये रजाई माँ है तो ये अब्दुल्ला बिन जाफर की हदीस है जो जो उन्होंने रिवायत की है तो हलीमा साधिया जो है वो बहुत अरसा तक जिंदा रही और फिर जब फतह मक्का हो गया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वाक वाक वापस मदीना मुनवरा तशरीफ ले गए और जब ये सब को मालूम हो गया कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनवरा ही में रहेंगे और वो मक्का में नहीं रहेंगे और वहीं उन्होंने अपना घर बना लिया यानी वहीं पे उन्होंने अपनी यानी सुकूनत इख्तियार कर ली मुस्तकिल सुकूनत उनकी वहीं पर थी तो फिर अः हलीमा सादिया अपने कबीला को छोड़कर हिजरत करके मदीना आ गई अगरचे उनके लिए अपना कबीला छोड़ना बहुत मुश्किल काम था लेकिन अपने बेटे की मोहब्बत में और हिजरत का एजाज लेने के लिए वो मदीना मुनवरा तशरीफ ले आई और उनकी रिव... वफात की रिवायात में कुछ इख्तिलाफ है लेकिन बहुत सारे मुफस््रीन और सीरत नगार जो हैं वो ये कहते हैं कि उन्होंने मदीना मुनवरा ही में वफात पाई और वो बकी में दफन हुई तो आठ हिजरी में उनकी वफात हुई है और वो बकी में दफन हुई हैं कुछ और रवायात भी मिलती हैं जिसमें ये पता चलता है कि वो आ, उनके ख्याल में वो मदीना मुनवरा आई थी लेकिन वो वापस फिर अपने कबीला में चली गई और उनकी वफात उनके अपने कबीले में हुई है बकी में नहीं हुई है लेकिन अल्लाह आलम जो भी रवायात हमें मिली हैं उसके मुताबिक हमें या ये पता चला है कि वो बकी में दफन हुई मदीना में वफात पाई या ये कि वो मदीना आ गई थी लेकिन आके मुलाकात करके फिर वापस चली गई और वो फिर बकी में दफन हुई है तो ये तो खूबसूरत तस्करा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी वालिदा रजाई वालिदा एक तो सवैबा है और दूसरी रजाई वालिदा حليمه سعديه رضي الله عنها کا تو اسی پر ہم اج کا اپنا سبق ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر باقی کا حصہ اگلی دفعہ پڑھیں سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته